सर आप लोग देख सकते हो यार, 85% बंदे लोग जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार। जितने भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कैसे सर, मैंने वीक वन एक्सप्लेन कर दिया ए टू रॉयल पास का। अगर आप लोग को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, देख लेना। अब गाइस बारी आती है सीजन चैलेंज एक्सप्लेन करने की, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिशन निकल कर आता है, फिनिश 6 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो गाइस यार, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को एक ही मैच के अंदर में 6 किल कर रहे हैं क्लासिक मोड के अंदर में, वो भी आप लोग को कोई मतलब नहीं है, रैंकेड अनरैंकेड से किसी भी मोड में आप लोग कर सकते हो। एंड इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है डील अ टोटल ऑफ 100 डैमेज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को क्लासिक मोड के अंदर हेडशॉट मार के 1000 डैमेज देना है। और देखो, हेडशॉट मारोगे तो देखो हर गन का डैमेज अलग अलग होता है, तो ये आप लोग याद रखना। और आप लोग को मैं बता दें यार, आप लोग आराम से गेम खेलना, और कोई ज़रूरी नहीं है कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जाकर हेड ही हेड मारना भाई। आप आराम से खेलो, हेड कनेक्ट हो गया बहुत अच्छी बात है, डैमेज काउंट हो जाएगा। इस तरीके से खेलोगे तो आराम से ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है क्लाइंब ओवर ऑप्टिकल्स 50 टाइम इन क्लासिक मोड। भाई पिछला वाला मिशन कॉपी पेस्ट मारा गया भाई, मैं समझ नहीं आता क्यों। अलग मिशन दे दो यार, हमसे कह दो हम मिशन दे देंगे लिख के। तो यहाँ पे लिख के दिखा रहा है कि आप लोगों को किसी भी ऑप्टिकल से 50 टाइम क्लाइंब करना है, जैसे कि किसी वॉल से हुआ, किसी विंडो से हुआ, तो आप लोगों को ये विंडो के अंदर बाहर जाओ, या वॉल से इधर से उधर, उधर से इधर करो, तो इस तरीके से करोगे तो 50 टाइम। और ये मैं बताऊँ ना, बहुत मुश्किल से 2 मिनट के अंदर में ना ये वाला मिशन कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत ईजिली है। एंड इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है क्लाइंब 5 कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन इन अ सिंगल मैच। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, कॉपी पेस्ट है, आप लोग को एक ही क्लासिक बोर्ड के अंदर में 5 अलग तरीके से वेपन में पिकअप करने, जैसे कि आपको AKM मिली, उसके बाद स्कारल मिली, उसके बाद आपके सामने UMP मिली तो UMP पिकअप कर लो, उसके बाद आपको MM4 मिल जाए तो उसको पिकअप कर लो, शॉटगन मिल जाए तो उसको पिकअप कर लो। आपने 5 अलग टाइप के वेपन पिकअप कर लिए, अब आपका ये मिशन भी ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा एक ही मैच के अंदर में। एंड इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फॉलो टीममेट विन जंपिंग 5 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर, अपने टीममेट को आपको फॉलो करना है, वो भी जब आप जंपिंग के टाइम पे, मतलब जब आप जंप कर रहे हो ना, तो आपको अपने टीममेट को फॉलो करना है 5 बार, 5 मैचेस में करना है, ठीक है। एंड उसके चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है कि रेस्क्यू टीममेट 20 टाइम इन क्लासिक मोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को अपने टीममेट्स को 20 बार रिवाइव करना है। रेस्क्यू मतलब होता है कि बचाना, मतलब रिवाइव करना, बीच में बचाना क्या मतलब होता है, रिवाइव ही करना हो सकता है। तो आप लोग को अपने टीममेट्स को 20 बार रिवाइव करना है। एंड इसके चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है कंप्लीट 8 मैचेस विद फ्रेंड इन एनी मोड। तो गाइस सर, आप लोग को अपने फ्रेंड के साथ किसी भी मोड को खेलना, जैसे टीडम भी खेल रहा है तो भी काउंट हो जाएगा, क्लासिक खेलोगे तो भी काउंट होगा, तो मतलब किसी भी मोड को खेलना है, 8 मैचेस फ्रेंड के साथ खेलोगे, ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। एंड इसके चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है फिनिश 50 एनिमीज इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर, आप लोग को 50 बंदों को मारना है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर में। देखो, तो एक मैचेस में यहाँ पे नहीं कहा गया, तो आप लोग लाइफ टाइम में, जब तक ये मिशन रहेगा पूरा सीजन, तो आप लोग कब भी मार सकते हो 50 किल आराम से, वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा बेझिझक। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है कि सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 200 मिनट इन क्लासिक मोड। तो अगर सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 3 घंटा 20 मिनट क्लासिक मोड के अंदर सर्वाइव करना है। क्लासिक मोड के अंदर अगर आप यहाँ पे लोबी में खड़े रहोगे ना, वो काउंट नहीं होगा। क्लासिक मोड के अंदर जितना भी 2 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट सर्वाइव कर लोगे, आप लोग का ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है ब्रेक 5 विंडो इन क्लासिक मोड। तो क्या सर, आपको 5 विंडो के जो डोर होते हैं उसको तोड़ने हैं। देखो भाई, बहुत ईजी है, आप लोग को बता दो कि डोर कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो, स्क्वाड हाउस जाया करो, वहाँ पे मिलेंगे, नॉर्मल घरों में नहीं मिलेंगे, स्क्वाड हाउस जाओ वहाँ मिलेंगे। आप लोग को वॉच टावर जाओगे वहाँ पे मिलेंगे विंडोज़, तो 5 विंडो ब्रेक करना है ईजी। वॉच टावर जाओ आराम से, एक ही मैच में कम्प्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है कम्प्लीट 10 मैचेस इन एनी मोड फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। मतलब गए सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्राइडे टू संडे, तो बीच में एक दिन पड़ता है सिर्फ सैटरडे, सैटरडे आई थिंक ये काउंट नहीं होगा, बाकी फ्राइडे टू संडे आप लोग किसी भी दिन करोगे सभी दिन कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मैचेस खेलना है, मैं कहता हूँ कि आज ही खेल डालो आज, तो चलो कि अभी तो आज संडे नहीं है ना, आज हाँ आज खेलोगे तो सब भी कम्प्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मैचेस खेल लेना आज से, तो आपका इजीली मिशन कम्प्लीट हो जाएगा।
एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है जंप एंड लैंड ऑन अ रूफ इन एरेंगल अर्ली वीकेंड टाइम। तो गाइस सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को आपको जंपिंग करनी है और लैंड करना है किसी भी एरेंगल और लिविक के अंदर। मैं ये कहूँगा देखो अब बहुत सारे बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लैंड कहाँ पे करना है। देखो एरेंगल और लिविक में बहुत जगह है, बहुत सारे घर हैं, तो आप लोग को किसी भी जगह पे किसी भी घर के छत पे लैंड करना है। याद रखो छत पे लैंड करना है आपका, अगर आप ज़मीन पे लैंड करते हो ना वो काउंट नहीं होगा। छत के अंदर जो एक शेक ऐसी होती है छत, वो उस पर भी लैंड करोगे तो वो भी छत काउंट हो जाएगा, रूफ काउंट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जिस पे दो प्लस्तर होती है एकदम बिल्कुल स्लेप होते वो वैसा नहीं, आप किसी भी रूफ पे उतरो कोई दिक्कत नहीं, छत होना चाहिए, ज़मीन पे पैर लगना चाहिए। हाँ ये चीज़ है कि अब जो शेक पे आप लैंड कर जाओ शेक पे तो कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है, पर बाई चांस अगर कर गए तो ये काउंट नहीं होगा। बाकी आपको जितने भी घर देखो उनके छत पे लैंड करना है। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है कि ऐड 7 फ्रेंड। आप लोग को 7 फ्रेंड बनाना है, किसी एक बंदे को ले लेना 7 पर उसको अनफ्रेंड करके फ्रेंड बना लेना, एक ही मिशन मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है गिव 24 लाइक टू टीममेट। आप लोग को 24 लाइक करना है अपने टीममेट्स को। आपको बता दूं कि वीक वन में भी बिल्कुल ऐसे 20 बार लाइक करना है। मैं तो ये कहता हूँ ATBA TDM लगाओ, उसमें आप लोग लाइक करो अपोजिट वाले बंदों को भी, अपने बंदों को भी, एक ही मैच में 50 लाइक कंप्लीट, देन आप लोग अगला मैच लगाओ फिर मैच कंप्लीट करो फिर लाइक कर देना। ईजी मतलब दो मैच में आपका ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 20 डेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 20 डेज लगातार गेम लॉग इन करना है। देखो आज मैंने लॉग इन करा, एक काउंट हो गया, अब जैसे 20 दिन तक हो जाएगा तो 20 काउंट हो जाएगा, 20 दिन में मिशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है एलिमिनेट 5 प्लेयर वाइल रनिंग इन क्लासिक मोड। आप लोग को 5 बंदों को मारना है, जो बंदे रनिंग कर रहे हो मतलब भाग रहे हो उन बंदों को मारना है। एंड गाइस इसके चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है कि गिफ्ट और गिफ्ट बैग BP टू 10 डिफरेंट फ्रेंड। आप लोग को अपने फ्रेंड को BP सेंड करनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 9 लोगों को भेज दी है, बहुत सिंपल है। कैसे करना है देखो आप लोग को बता दूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे मेल में एंड फ्रेंड्स पे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे बंदों की BP आई हुई है, तो यहाँ पे क्लेम कर लेना या तो रेड ऑल क्लेम कर लेना, तो यहाँ से 5 लोगों को भेज दोगे, बाकी बचेंगे और लोग, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे देख सकते हो कि एक BP बनी हुई है, तो उस पर आप क्लिक करके इसको भेज देना, ठीक है। एंड इसके चलते अपने अगले ऑप्शन पे जिसमें लिखा है स्विम 3000 मीटर इन क्लासिक मोड। भाई मैं बोल रहा हूँ ना कॉपी पेस्ट हुआ है पिछला वाला मिशन। आप लोग को 3000 मीटर आपको स्विमिंग करनी है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर में। यार बहुत मुश्किल होता है यार, इतना ज़्यादा कौन तैरता है, बाकी जिसको करना होगा मिशन तो कर ही लेगा। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है कि इक्विप 2 फायर आर्म्स विद फुल अटैचमेंट एट द सेम टाइम इन 8 क्लासिक मोड मैचेस। आप लोग को 2 फायर आर्म्स को पिकअप करना है 8 मैचेस में। फायर आर्म्स में मतलब कि जैसे कि आपके सेम गन ऐसा मतलब नहीं है, जिसके साथ फुल अटैचमेंट आ जाए उसके साथ, ठीक है। हाँ M4 में साइड स्कोप भी लेते हैं, इसका भी ध्यान दिया करो, नहीं बहुत सारे बंदे इसको पिकअप ही नहीं करते हैं। तो आपसे बहुत कहूँगा कि आप लोग DAP में कर लेना या DBS में कर लेना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देखोगे नीचे लिखा हुआ स्पेंड अ टोटल ऑफ 60 मिनट इन क्लासिक मोड ड्यूरिंग द सीजन। आप लोग को 60 मिनट गेम के अंदर स्पेंड करना है, मतलब आप लोबी में रहोगे वो भी काउंट होगा, गेम खेलोगे वो भी काउंट होगा। और एंड गाइस यही थे सीजन चैलेंज के सारे मिशन, मैंने सारे मिशन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। भाई इतना बकवास मिशन दिया है भाई, दिमाग खराब हो गया भाई, हार्ड तो दो कुछ नया तो दो भाई, कॉपी पेस्ट हुआ है। चलो गाइस जैसा भी मिशन हो आप लोग जाके कंप्लीट कर लेना एंड अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।